हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अगेन इन माय ऑनलाइन साइंस क्लासेस। सो नाइन्थ क्लास, आज का टॉपिक हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। पिछले वीडियो में आपने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, आज हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक चीज कही थी, जो सॉल्यूशन की नेचर होगी ना, सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कि हम सॉल्वेंट कैसा ले रहे हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर हम किसी चीज को घोलते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो सॉल्वेंट अगर हम ले तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मैंने नाम बताया था आपको, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम पे हमने लिया वाटर, ठीक है। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि पानी के अंदर सारी चीजें घुल जाती है, चाहे आप दवाई लेके आते हो डॉक्टर से वो घुल जाती है, डिस्प्रिन घोल देते हो, आटा घोल देते हो, ठीक है, पेस्ट बन जाता है, ठीक है, उसके अंदर इंक घोल देते हो, रंग घोल देते हो, तो मीन्स पानी क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ओके। तो अगर हम बात करें कि तीन तरह के हमारे सोल्यूशन है, सोलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन, ओके। तो सॉलिड सॉल्यूशन कहने का मतलब सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉलिड, यहाँ पे कैसा होगा, लिक्विड, और यहाँ कैसा होगा, गैस। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, एग्जांपल होगा एलोए। एलोए क्या होता है, आपने सुना होगा गाड़ी में एलोए डलवाते हो, बाइक्स में एलोए व्हील डले होते हैं, घरों में जो यूटेंसिल बर्तन आप प्रयोग कर रहे हो वो भी एलोए है, ठीक है। तो एलोए क्या मिश्रण है, इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे मर्करी, मर्करी प्लस सोडियम, ठीक है। मर्करी का सिंबल होता है HG और सोडियम का सिंबल होता है Na। इन दोनों के मिश्रण से हमारे पास सोडियम अमलगम बन जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोडियम अमलगम में क्या क्या पाया जाता है, इनमें से मर्करी और सोडियम पाए जाते हैं, इनके मिश्रण से हमारे पास ये अमलगम बनता है। लिक्विड की बात करें तो शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, अभी पीछे एग्जांपल दिया था, तो क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन, और वो कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म, और ये कैसा है, सॉलिड फॉर्म। तो एलोए आप गाड़ी में क्या पानी की फॉर्म में या सॉलिड है, सॉलिड है ना, और बहुत ज्यादा सॉलिड है तो वो यूज होते हैं, ठीक है। गैस की बात करें तो गैस में आ गया एयर, एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सर ऑफ डिफरेंट गैसेस, होमोजीनियस मिक्सर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ओके। सो दीज आर द एग्जांपल्स एंड द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब हो गया कि सॉल्यूशन की जो नेचर है, जो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर डिटेल अबाउट सॉल्यूशन।